मैं इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जामिया के छात्रों पर पुलिस की बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, मगर इसी बीच अब एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। ओवैसी ने सरकार पर हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जामिया पर झूठ बोला है। जामिया में पढ़ाई करते हुए छात्रों की पुलिस ने लाठियों से पिटाई की थी। ओवैसी ने इसे हिटलर का जुर्म बताया है। जामिया के लाइब्रेरी में पुलिस ने छात्रों को घुसकर मारा था और पुलिस के तरफ से कहा गया था कि पुलिस ने छात्रों को नहीं मारा है, मगर अब वीडियो सामने आने के बाद ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। गवर्नमेंट ने झूठ कहा कि पुलिस जामिया में एंटर नहीं हुई। वो इन विजुअल से, इन सीसीटीवी कैमरा के विजुअल से प्रूव हो चुका है कि दिल्ली पुलिस ना सिर्फ जामिया के अंदर घुसी बल्कि रीडिंग रूम में घुसी, और जिसकी वजह से मिनाजुद्दीन नामी एक बच्चे की आँख भी ज़ाय हो गई, वो एक आँख से महरूम हो गया। अब रहा सवाल ये कि थर उठा रहा है कोई, बैठा है कोई, कवर कर रहा है, मैं इस बात को हकीकत से ताल्लुक नहीं है। जो विजुअल्स ये बता रहे हैं कि बच्चियाँ प्लीड कर रहे हैं पुलिस से कि हमको निकलने दीजिए, और पुलिस पीछे से मार रही है, सामने निकलना चाह रहे हैं वहाँ पुलिस मार रही है, और इसी वजह से जामिया मिलिया के स्टाफ ने, खुद वहाँ के वाइस चांसलर ने MHRD को कंप्लेन दिया कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेन दिया गया है और पुलिस के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर होना चाहिए, FIR रजिस्टर होना चाहिए। ये पुलिस के जुल्म की और उनकी ब्रूटैलिटी या बारबरिज्म की एक बेहतरीन मिसाल है। ऐसा लग रहा था कि जर्मनी में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालने से पहले नाजी के लोग ढकल रहे थे, वैसे नज़ारे दिख रहे थे, अंदर घुस के मारे स्टूडेंट्स को। सरासर इसको कंडेम करने की ज़रूरत है, और पुलिस की ब्रूटैलिटी, पुलिस का जुल्म इससे साफ जाहिर होता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।